गरीब आदिवासी चाषी को ना मिलुची लैंप रो सुविधा ना मिलुची कृषि सूचना केन्द्र रो सुविधा ए सबु सुविधा केवल धनी लोकों पाई एभली अनेक चाषी असुविधा रे पडुथिबार घटना मयूरभंज जिला बड़साई ब्लॉक कृषि सूचना केन्द्र अधीन रे थिबा समस्त धान चाषी को ठारी देखिबा को मिलुची वर्तमान समय रे ट्रैक्टर रे हल करबा पाई 1 घंटा को 1500 टंका रु अधिक हेबा जोगु गरीब आदिवासी भाग चाषी को पाई अनेक समस्या देखा देछि सेपडे गरीब आदिवासी चाषी मानंकु सुविधा रे हल जुगाय देबा पाई बड़ सही बृहदाकार आदिवासी बहुमुखी समवाय समिति ल्याम को आसीतिबा ट्रैक्टर पड़ी पड़ी खत खाउछि खाली एही ट्रैक्टर खत खाउने भल भाबरे देखंतु ए रासायनिक सार को 2019 रे आसीतिबा ए सार 2020 सरीबा को बसलाने हेले एगुडी को चासिं को दिया नो जाय काहे की अपर्यंत बंद कोठुरी रे रखा जाइछि ताहा चासिं को मन रे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि सेपटी चाष करी पेट पोषुथिबा गरीब आदिवासी चासिं को ल्याम्प रु कोनोसी सुविधा मिलु नथिबा बले धनी लोकों को सबु सुविधा मिलुछि बोली अभिजोग हेउछि आमर तो आदिवासी ल्याम्प रो साजी किछि पाउने आमे तो जहा चाष करछ सब धान आनुछे कर्ज सेउटु से माने आसी के काटि सारला पर धान बुरा रे नै होउछन्ति आउ आम पई तो किछि सिंति साजी किछि नै आउ आ ट्रैक्टर रो तो वर्तमान एना 1500 घंटा को नौ 1500-2000 एरको नौ आम तो सर गरीब छुआ आम तो पारानी तेणु करके हल रखीचे जो गरीब दुखी आम जहाँ माणे कुणे आम चाष करुचे आज्य बिहन फिहन कहीं जदि आम तो गले ब्लक सी आए 450 आउ 900-800 एरको कहे आम से पुराणा बिहन को रखी थी से आम पक मयूरभंज जिलार सर्वबृहत बड़साही ब्लक अधीन 32,865 जन धान और अड़ धान चाषी रही अत्याधुनिक चाष शैली और परिवर्तनशील चाष कार्य वर्तमान अनेक चाषर मुख्य स्रोत दूरे जाता बेले भाग चाषी प्रायतः सर्वाधिक क्षति सह चाष कार्य को बचाई रखिंट तेरे यही भाग चाषी समस्त सरकार कृषि योजनार सुविधा पाई नमने अनेक असुविधार सम्मुखीन होती चाषी मान ठीक समय बिहन मिल पार अभोग अंपटे आदिवासी चाषी को पाई मागणा बिहन एवं सार ठीक समय न पहुंची पार्वर चाषी अनेक असुविधार सम्मुखीन होता स्वीकार करछंती बड़साई कृषि सूचना अधिकारी किछि सर पाई पारुने आमे सर डेली घुरछ बिहन प्रतिशत सर आसी नै आ कोन करबा आ घरे जहा धान थिला सही के पकई देले आउ गवर्नमेंट जो बिहन सप्लाई हवा कथा डेमोन्स्ट्रेशन आकारे से वर्तमान आसीनी ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଷ ତ ପାଖେ ହେଲାଣି ଯଦି ଆସନ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତା ଚାଷୀମାନେ ବି ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ତେଣୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଯଦି ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ତେବେ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ନେଇ ଧନୀ ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କ୍ଷେତରେ ଖଟି ଖଟି ପଡ଼ି ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍